आत्मरक्षा के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य और करियर के लिए आज के युग में स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। यह कहना उन लोगों का है जो अपने बच्चों को ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते हैं, अपनी बेटियों व बेटों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अदासल स्काई मार्शल आर्ट्स, फेंसिंग, कोशी के स्पोर्ट्स खेलने और मेडल जीतने वाले बच्चों की शिक्षा विभाग द्वारा पूरे वर्ष की फीस माफ की गई। इंदौर शहर में मार्शल आर्ट्स, कोशी की व अन्य गेम्स की क्लास चलाने वाले अमय लश्करी ने बताया कि लास्ट ईयर उनकी क्लास के बच्चों ने विभिन्न गेम्स में गोल्ड, सिल्वर व अन्य मेडल जीते थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने व उन्हें भविष्य में कोई तकलीफ न आए इस उद्देश्य से उनकी एक वर्ष की फीस माफ की गई। वहीं बच्चों ने इस उपलब्धि का श्रेय उनकी क्लास एलन एकेडमी और उनके गुरु अमय लश्करी को दिया है। आपकी बच्ची गोल्ड मेडल जीत कर आई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, मैं चाहती हूँ आगे बढ़े, हम रोकते भी नहीं बच्चे, जितने आगे बढ़े इतना अच्छा है इनके लिए। ऐसा? और सीख के अकेले भी रहेगी, इसको डर नहीं किसी बात का, कहीं भी जाए आए अकेले आ ही सकती है, हमको कोई टेंशन नहीं है। क्या करते हैं आप इसके पापा गुड़िया के? ये फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का? और भी आपके यहाँ बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं, दो गुड़िया एक लड़का है छोटा वाला। बच्चों को आप आगे बढ़ा रहे हैं मतलब? हाँ। इसकी स्कूल वगैरह फीस भी माफ हुई है क्या, थोड़ा बताएंगे आप? नहीं, स्कूल की फीस अब इस साल से माफ हो रही है, अब देखते हैं आगे। तो क्या मानते हैं, लश्करी सर का सहयोग है इसमें? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बहुत जगह गई है, हमने पैसे तक नहीं दिए और नहीं हेल्प करी सब हमारे, यानी कि क्लास में खेलने के बाद। हाँ। क्लास की वजह से ही ये फीस माफ हुई है। हाँ। इसके पहले आपको कभी ऐसा कोई अनुभव मिला क्या? नहीं नहीं, नहीं मिला हमको कभी, कराटे सीखने के बाद ही। हाँ, उसके बाद कहाँ कहाँ गई आपकी बच्ची, कैसा बता सकते हैं कुछ? एक ग्वालियर गई, ऋषिकेश गई, देहरादून, मसूरी, सब दूर घूम के आ गई। कितने साल की गुड़िया है ये? अभी 13वां में चल रही है, 13 साल की है अभी। 13 वर्ष। हाँ। आपका नाम बोलो। सीमा पांचाल। पिका भोंडवे। क्या क्या आप कौन कौन से गेम्स खेलते हैं और क्या कहना चाहेंगे? कराटे खेलते हैं, शिकी में भी खेले हैं, स्काई मार्शल आर्ट भी खेले हैं। कहाँ गए थे आप अभी लास्ट टाइम? हम शिमला गए थे। शिमला? कौन सा मेडल जीता आपने? गोल्ड। गोल्ड मेडल। आप एक लड़की हैं और आज के जमाने में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना दिया जाता है, कई जगह ऐसा देखने में आता, हालांकि शहरों में तो कम हो गया है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपकी उम्र की जो लड़कियाँ हैं, हम खेलना चाहेंगे आगे आगे बढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। हाँ। क्या फायदे होते हैं इससे? इससे बहुत अच्छे अच्छे फायदे होते हैं, आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। ये है। हाँ। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? मैं 8th में गई। आपके साथी जो स्कूल में है, स्कूल के साथी, उन्हें आप कभी प्रोत्साहित करते हैं इस गेम्स खेलने के लिए इस तरह के? हाँ। आपने गोल्ड मेडल जीते हैं, उसके बाद शिक्षा विभाग से जानकारी लगी हमें, आपकी फीस भी माफ हुई, तो क्या है मामला बताएंगे थोड़ा सा? फीस माफ हुई आपकी? ये, हाँ। आपका नाम? दीपिका भंडवे। आपके परिवार की बच्चियाँ गेम्स खेलने गई, कई मेडल जीत के आए, क्या कहना है? हमें हमारे परिवार की बेटियों पे बहुत गर्व होता है कि वो भी देश की जैसी बहुत सारी बेटियों ने अच्छा नाम कमाया है, कि वो भी आगे जाके बहुत अच्छा नाम कमाए, और बेटी बेटों से कम नहीं होती, ये उन्होंने बहुत सी जगह साबित करा है, और होप करते हैं कि ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रखेगी, इंडिया को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके जाएगी, जिस भी स्पोर्ट्स में ये आगे जा रही हैं। आप अपनी बेटियों को किस प्लेटफॉर्म पर देखना चाहती हैं? ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो इससे भारत और हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। इसी तरह की कोई दिक्कतें आई क्या आपको उनको स्पोर्ट्स में भेजने में या और करेंगे किसी तरह के घर पे? नहीं, अब तो अब लड़कियों को ऐसा इतना भेदभाव नहीं होता, तो हमें इतनी कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, छोटी मोटी कुछ आती रहती है, पर ये रुके नहीं, आगे चलते गए और आगे बढ़ते जाएंगे। आज के ज़माने में कहीं हम मीडिया में देखते हैं लड़कियों को जो अत्याचार होते हैं, तो आत्मनिर्भरता के लिए किस तरह से सार्थक है ये पहल, आपका सब बोलेंगे कुछ? कराटे, टाइकोंडो, सेल्फ डिफेंस, ये सब को लेके तो गर्ल्स आजकल इतनी अच्छी इन लोगों की प्रैक्टिस हो गई है कि इन्हें आगे जाके सेल्फ डिफेंस से तो इतना प्रॉफिट मिलने वाला है ना, इनको आत्मनिर्भरता तो ठीक है, ये और दूसरों पे ही भारी पड़ने वाली है, कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम चंद्रिका भोंडवे, मैं घर से दक्ष, दीपिका, अदिति भोंडवे, ये तीन बच्चे कराटे मार्शल आर्ट्स के लिए जाते हैं।
अंतिम सवाल, इनके बच्चों की जो क्लास है जहाँ जाते हैं उन सर के लिए और उनकी क्लास के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर ने इतने सारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपना हुनर साबित करने के लिए। सर फीस भी नहीं लेते हैं, मतलब आगे कहीं भी जाते हैं तो बच्चों को सबसे फर्स्ट इशू आ जाता है मनी फीस का, और उसके कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पा रही, वो मिस कर देते हैं। पर थैंक फॉर दैट सर कि उन्होंने इतना अच्छा इनको अपॉर्चुनिटी दी है। हाँ, इनकी ट्यूशन फीस वगैरह मैम ने माफ़ करी है साइबाबा स्कूल से यामिनी मैम ने, तो उससे भी इनको बहुत फ़ायदा होता है कि बच्चे उसके लिए बाहर जाने के लिए उनकी पढ़ाई वगैरह भी थोड़ी बहुत मिस हो जाती है, तो मैम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी, मैम भी अच्छा बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? सेवंथ। क्या खेलते हैं आप और क्या जीत के कहाँ से आए हैं आप? जी मैं कराते खेलती हूँ और मैं बहुत सारी जगह से जीत के भी आई हूँ, जैसे ग्वालियर, देहरादून, मसूरी, गोवा, बहुत सारी जगह से जीत के आई हूँ। ग्वालियर में भी गोल्ड मेडल लगा था और गोवा में भी गोल्ड मेडल लगा था। किस तरह से सीखा, कहाँ से सीखा ये आपने? जी हमारे सर ने सिखाया हमें। क्या नाम है आपके सर का? जी मेरे सर का अमय लश्करी। कौन सी क्लास का नाम क्या है? एलेट स्पोर्ट। क्या फायदा मिला आपको जब अभी गोल्ड जीत के आए, तो इससे क्या फायदा मिला? जी जिससे वो आपकी फीस वगैरह भी कुछ माफ हुई ऐसे जानते हैं? हाँ, हमारी फीस भी माफ हुई और इससे खेलना अच्छा भी होता है, खेलना भी चाहिए। और हम बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे आप? जी बड़े होकर मैं कुछ अच्छी बनना चाहूँगी। क्या बनना चाहेंगे बड़े होकर? जी बड़े होकर मैं कराते में ही कुछ अच्छा बनना चाहती। ओलंपिक खेलना चाहेंगे? यस। कितनी फीस आपकी माफ हुई है, कितने दिनों की जानकारी है आपको? यस सर, वन ईयर की। वन ईयर की, एक साल की आपकी फीस माफ हुई है, कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है। सर किस तरह से सहयोग करते हैं आपको? तस्करी सर, जी सर ने भी बहुत मेहनत की है मैं आगे पढ़ाने के लिए, और हम भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जब लॉकडाउन में आप घर में थे तो सर से आप कांटेक्ट बनते थे आपके फ़ोन पे, किसी तरह से भी प्रैक्टिस जारी थी आपकी घर पे? यस सर, मैं रोज डेली प्रैक्टिस करती थी और सर ने हमें बोला कि डेली करना भी चाहिए। कराटे के बारे में कुछ बता सकते हो क्या थोड़ा सा, किस तरह का खेल है, कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं? जी यस सर बता सकती हूँ। किस तरह से, कौन से, कोई अच्छा आपका फेवरेट पंच कौन सा है, क्या है थोड़ा बताओ? यस सर बताती हूँ। क्या खेलते हैं आप? हम कोशी की मार्शल आर्ट खेलते हैं। कहाँ कहाँ जीत के आए, क्या क्या गोल्ड, कौन से मेडल जीते हैं आपने? हमने अभी ना कोशी में बताओ ना नैनीताल में गोल्ड मेडल जीता था। और आपकी फीस वगैरह भी स्कूल की माफ हुई है? हाँ सर माफ़ हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप क्लास के लिए? सर बहुत अच्छी क्लास है हमारे, हमें सर सिखाते हैं हमारे को, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कोशी की। क्या नाम है आपकी क्लास का? एलेट स्पोर्ट्स अकेडमी। कितने समय से आप सीख रहे हैं ये? सर डेढ़ साल हो गया। क्या क्या सिखाते हैं सर आपके? कोशी की अभी सिखाते, गेम कराते भी सिखाते हैं। इतने मेडल आपने जीते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छा। क्या करना चाहेंगे? सर हम इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं। गेम्स स्पोर्ट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छा है, अभी टेंथ में वो भी होएगा, थोड़ा 10 मार्क्स भी मिलेंगे इसके। आपके सर के लिए क्या कहेंगे? सर हमारे सर के लिए बहुत धन्यवाद। आपका नाम? दक्ष भुंड। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं हमें सर का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे को एक मार्शल आर्ट कोशी की गेम में शामिल किया, एक सदस्य बनाया गया है, जिसके कारण मैं बच्चों को, अपने बच्चों को तैयार कर सकूँ, ओलंपिक तक के ले आ सकूँ, अच्छी मेहनत कड़ी से कड़ी करवा सकूँ और सरकारी गेम के द्वारा अच्छे बच्चों को तैयार कर सकूँ। कितने बच्चों को आपने एक अपना सोच रखा है कि आप देश में किस तरह से सहायता करेंगे सब बच्चों के लिए? बच्चे जितने सर हो जाए, 50,000, 2,000 जितने बच्चे हो सके, मैं तो अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ, देश को एक आगे बढ़ाना चाहता हूँ और एक बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छा खिलाना चाहता हूँ और उनको आगे सरकारी गवर्नमेंट की तरफ खेल खिलाना चाहता हूँ। मेरा नाम है सद्दाम हुसैन, आजत नगर, इंदौर। मेरा नाम अमय लश्करी है, मैं कोशिकी मार्शल आर्ट मध्य प्रदेश एसोसिएशन का
सचिव हूँ, और जिस दिन मुझे सदस्यता प्राप्त हुई ऑल इंडिया कुश्ती फेडरेशन से, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और मेरा एक ही लक्ष्य था कि जो बच्चे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं किसी तरह उन्हें सबसे पहले लाभान्वित किया जाए, ताकि वो स्पोर्ट्स से हटे नहीं, स्पोर्ट्स में अपना करियर जो है वो कंटिन्यू बना के रखे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया, जो बच्चे लास्ट ईयर शिक्षा विभाग के खेल खेले थे स्कूल गेम्स फेडरेशन से, जैसे स्काई मार्शल आर्ट हो गया, फेंसिंग हो गया, जो हमारी टीम से खेले थे, हमने उनकी इस साल की पूरी फीस माफ़ करवा दी है। सर अभी कितनी फीस किस किस तरह से फीस बच्चों की माफ हुई है और कहाँ कहाँ बच्चे खेलने गए थे? सर बच्चे लास्ट ईयर ग्वालियर में खेलने गए थे स्कूल गेम्स में, और उसके बाद में जो कौशिकी मार्शल आर्ट शिक्षा विभाग में शामिल हो चुका उसके लिए लोग दिल्ली में और शिमला में खेलने गए थे, और गोवा में जो फेडरेशन कप हुआ था जो कि 3 साल में एक बार होता है, उसमें भी ये बच्चे गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, जिसके कारण इन्हें अब अपनी जो फीस है वो पूरी अक्टूबर नवंबर में जितनी ये फीस भरेंगे स्कूल में वो पूरी उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में वापस हो जाएगी। सर कोरोना महामारी भी चल रही है, लॉकडाउन भी लगा था, तो आप बच्चों की प्रैक्टिस में छूटे, इसके लिए आपने किस तरह प्लान करा था? सर इसके तो हम सभी परेशान हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखेगा, जो बच्चा शुरू से अपनी प्रैक्टिस करता रहेगा, उसका खेल नहीं बिगड़ेगा। और खिलाड़ी वही है जो बुरे हालात में भी अपने आप को निखारे, वही खिलाड़ी होता है, ये मेरा मानना है। अमय लश्करी, एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी का ट्रेनर भी हूँ और कौशिकी मार्शल आर्ट्स में सचिव भी हूँ।